हर महादेव दोस्तों, देवभूमि इंडिया आज है माँ जिया रानी के प्रसिद्ध मेले में, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी से 5 किलोमीटर की दूरी पर नैनीताल रोड में ही स्थित है। माँ जिया रानी का प्रसिद्ध मंदिर, माँ जिया रानी को कचूर वंश की राजमाता तथा उत्तराखंड की लक्ष्मी बाई के रूप में जाना और पूजा जाता है। यहाँ इनका एक प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ जिया रानी ने एक घाघरे के रूप में समर्पण किया। इसके बारे में पूरी जानकारी देवभूमि इंडिया ने आपको पिछले सीरीज में दी। आज की वीडियो में भी हम माँ जिया रानी के इतिहास से जुड़ी हुई, आप साथ में मेला देखिए, मैं आपको माँ जिया रानी के इतिहास और उनके मंदिर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ जिया रानी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, माँ जिया रानी का यह प्रसिद्ध मंदिर देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हल्द्वानी से 5 किलोमीटर दूरी पर रानीबाग में स्थित है। इस प्रसिद्ध मंदिर को जिया रानी के मंदिर के नाम से और साथ में आज लगने वाले मेले को जिया रानी के मेले के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, माँ जिया रानी के इस प्रसिद्ध मंदिर में पुष्पभद्रा व गंगांचल नाम की नदी का संगम होता है। वहीं यह नदी गोला कहलाती है उसी के बाद, जो कि हल्द्वानी की एक प्रमुख नदी है और जीवनदायी नदी इसे हल्द्वानी की कहा जा सकता है। जिया रानी मंदिर, नीलेश्वर महादेव मंदिर, नवग्रह मंदिर तथा भैरव देवता मंदिर, शनिदेव मंदिर आदि मंदिर इस प्रसिद्ध स्थान पर स्थित है जिया रानी के साथ साथ। साथ ही दोस्तों, आज के दिन जो प्रसिद्ध जिया रानी का मेला लगता है, इस दिन जनेऊ संस्कार का एक विशेष महत्व मकर संक्रांति के दिन हमारे सनातन धर्म में माना जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार क्या होता है उसके बारे में भी देवभूमि इंडिया ने पूरी वीडियो आप सभी को दी है। उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगहों पर आप सभी को मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम जिया रानी के इतिहास के बारे में जानेंगे। जिया रानी का वास्तविक नाम मौला देवी था, जो हरिद्वार के राजा अमरदेव की पुत्री थी। 1192 में तुर्कियों के शासन के समय भी अमरदेव हरिद्वार के राजा थे। अमरपाल ने मौला देवी का विवाह कुमाऊं के राजा पृथ्वी देव से कराया था, या इन्हें प्रीतम देव भी कहा जाता है। 1398 में लुटेरे तैमूर ने हरिद्वार पर हमला किया और राजा अमरदेव कुटीर की इस हमले में उनकी जो सेना है वह हार गई थी। उसके बाद तैमूर ने कुमाऊं क्षेत्र पर अपना शासन जमाना चाहा। इस समय तक पृथ्वी देव या प्रीतम देव की मृत्यु हो चुकी थी और उनका 8 साल का बेटा गद्दी पर बैठा था और उन जो शासन कर रही थी वह माँ जिया रानी शासन कर रही थी। जो ही यह बात मौला देवी या माँ जिया रानी को पता चली, उन्होंने तैमूर से युद्ध किया और विजय हुई। बाद में जब तैमूर को यह बात पता चली तो वह समझ गया कि अकेले अपने दम पे जिया रानी को नहीं हराया जा सकता। बाद में मुस्लिम आक्रांताओं के साथ मिलकर तैमूर ने माँ जिया रानी को युद्ध में परास्त किया और माँ जिया रानी एक गुफा के अंदर रहने लगी। वहीं गुफा जो वर्तमान में जिया रानी की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, वह आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसकी इमेज। इस गुफा में ही माँ जिया रानी, इसी स्थान में जिया रानी रहा करती थी और यहीं से नदी में स्नान करने जाया करती थी। जब एक बार मुस्लिम आक्रांताओं ने माँ जिया रानी को नदी में देखा तो वह उन्हें मारने के लिए नदी में दौड़े, तो माँ जिया रानी के पास कोई भागने का साधन नहीं था, कोई ऐसी जगह नहीं थी, तो वह कहा जाता है कि एक घाघरे में लुप्त हो गई, जो वर्तमान समय में एक पत्थर के रूप में यह सामने देख पा रहे हैं, इस तरह से दिखाई देता है और इसमें अलग अलग कलर भी दिखाई देते हैं। यह जिया रानी की प्राचीन गुफा जो यहाँ स्थित है वह यह मंदिर है। यह गुफा जो वर्तमान समय में अभी इसका नवीनीकरण हुआ है, तो आप जरूर दर्शन करने माँ जिया रानी के इस प्रसिद्ध मंदिर में पहुँचेंगे, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ। आज की वीडियो में माँ जिया रानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और जय माँ जिया रानी लिखना ना भूलें। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड के किसी और प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर से जुड़ी हुई जानकारी के साथ। जय हिंद।